अल्बर्ट आइंस्टाइन, इनको कौन नहीं जानता, ये फेमस है अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे इन्हीं के बारे में और जानेंगे इनके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आपको पहले नहीं पता थे। सो अनलाइक इमर्ति देवी जो गोवर में पैदा भाई, अल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हुए थे जर्मनी में और वो रहे इटली, स्विट्जरलैंड और चीकिया में, और जब वो यूएसए गए उसके बाद वो कभी जर्मनी लौट के वापस नहीं गए। हम सब जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन को फेक्स बहुत ज़्यादा पसंद थे, लेकिन क्या आपको पता है उनको पहली बार फेक्स से प्यार कब हुआ था? उनके फादर ने उन्हें एक कंपास गिफ्ट किया था, उसके अंदर लगे मैग्नेट्स के मूवमेंट से वो इतना ज़्यादा फैसिनेट हो गए थे कि उनको फेक्स में इंटरेस्ट आ गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन को फिजिक्स, मैथ्स, फिलोसफी बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन वो बाकी के सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते थे जैसे कि लैंग्वेज। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना पहला स्कॉलर पेपर मात्र 16 ईयर्स की एज में लिखा था, वो एज जिसमें ना जाने आप क्या क्या करते हैं। उस एज में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना पहला स्कॉलर पेपर लिख दिया था और वो पेपर भी उसी कंपास से इंस्पायर था जिसमें उन्होंने मैग्नेट्स के फोर्स के बीच बारे में बात की थी। आपको एक बात बिल्कुल पता नहीं होगी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को डायरेक्टली फिजिसिस्ट बनने से पहले एक टीचर बनने की ट्रेनिंग दी गई थी। उन्होंने अपनी डिग्री 1905 में ली और वो ईयर को अल्बर्ट्स ईयर्स ऑफ मिरेकल्स के नाम से जाना गया, बिकॉज सर अल्बर्ट ने 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स को पब्लिश कर दिया था, वो भी सिर्फ 12 महीनों में। E=mc2, ये वही इक्वेशन है जिसने सर अल्बर्ट आइंस्टाइन को स्टार बना दिया था। इस इक्वेशन को एनर्जी मास कन्वर्जन कहा जाता है और ये इक्वेशन बताती है कैसे टाइनी पार्टिकल्स जिनसे दुनिया की हर एक चीज़ बनी है वो एनर्जी में बदल सकते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब जाते जाते एक बोनस फैक्ट और लेते जाइए। अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में 1921 में और वो अपनी डेथ तक बस इन्हीं थ्योरीज पर वर्क करते रहे। अल्बर्ट आइंस्टाइन वो इंसान थे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बस इन्हीं चीज़ों पर निकाल दी कि कैसे यूनिवर्स वर्क करता है। फिर मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, तब तक इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर बने रहें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।